विधायक जी, आज सबसे पहले आज के कार्यक्रम किस तरह से रहा पूरा? आज पूरी विधानसभा के मेरे तकरीबन सारे गांव समाप्ति के ओर हैं, 8-9 गांव रह गए हैं और आज हमारा कार्यक्रम ढाकिया मालेडा और इधर गांव में था और जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे 5 तारीख और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, आज तो एक मुझे लगता है औपचारिकता ही है चुनावों का नतीजा, जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है आने वाले समय के अंदर भारी बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे। कल दीपेंद्र हुड्डा थे रेवाड़ी में, तो रहा कि डबल इंजन की बोले कि छोटा भाई है तो एक बड़ा जिम्मेवारी भी मिलेगी शायद, इस तरह से वो कह रहे थे। तो देखिए, बहुत मेरा लगाव दीपेंद्र जी के साथ है, हमारा पुराना रिश्ता है। सचिन पायलट जी भी आए थे, तब आपने देखा था, उन्होंने भी ये बात कही थी क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई इस इलाके की लगातार लड़ी है और मैंने पहले भी कहा था हमारी लड़ाई जो है इस इलाके के लिए है, हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके, विकास मिल सके, इस इलाके को आगे लेकर जाएं। और दीपेंद्र जी हुड्डा ने जिस तरीके से कल प्यार दिया, मैं तो उनका हमेशा आभारी रहा कि पहला नामांकन अगर प्रदेश में किसी का भरवाया तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरा भरवाया। कल वो आए और इतनी लेट तक लोग रुके रहे, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी की लहर पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। कल CM सैनी भी रेवाड़ी में है, किस तरह से देख रहे हैं? कि देखिए जी, वो तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है आने का, बट अब मुझे लगता है भाजपा के बधाई का समय आ चुका है, हो सकता है ये आखिरी दौरा हो मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और मुझे इस बात का कई बार लगता भी है कि सैनी जी की अपनी कोई इसके अंदर नहीं थी, भाजपा के जो पिछले 9.5 साल का कार्यकाल था उसको कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ रहा है। एक उनका बयान ये है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा दलित विरोधी है, लगातार मंचों से चल। देखिए, वो तो आप सब जानते हैं, BJP ने ये कहा था कि 400 पार आगे तो संविधान बदल देंगे, जो लोग बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते थे वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबसे आगे रही है, हमारे समय के अंदर आपको याद होगा 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे, सारे अधिकार जो थे वो कांग्रेस पार्टी के दिए हुए हैं, सभी के लिए काम करती है, सभी वर्गों के लिए काम करती है और आने वाले समय के अंदर सभी वर्गों के लिए हम काम करेंगे। एक आपकी प्रतिद्वंदी है सतीश यादव, किसी भी सभा में जा रहे हैं, कहीं चप्पल पहन के जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कहीं सोफे से नीचे बैठ रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? अब मैं तो जी क्या उनके ऊपर जवाब दूँ, वो तो कोई जवाब नहीं। आम आदमी हूँ, वो महलों में रहने वाले आदमी, अब मैं क्या कहूं जी उनके बारे में, उनके बारे में मेरे पास ज़्यादा जवाब नहीं है। आज मैं तो ये कहूंगा, जो इनके 9.5 साल के काम थे और पिछले 4 साल पहले भी वो BJP में थे, फिर वो BJP में चले गए थे, फिर उनको छोड़ दिया, उनसे तो मेरा एक ही सवाल है, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि हमें हमारे हक का पानी कब मिलेगा। दक्षिण हरियाणा की जो धरती है वो प्यासी है पंजाब से जो पानी आना था, भगवंत मान जी जब आए थे उनको से एक सवाल तो करना चाहिए था कि हमारे हक का हमें पानी दे दे, आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। उन पे मैं जवाब उस दिन दूंगा जब वो ये बता देंगे कि पंजाब हमारे हक का पानी कब देगा। ठीक है।